आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। ईडी ने दिया ये जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने शुगर स्तर की नियमित जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल किया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जुहैब हुसैन ने गुरुवार को कोर्ट से बताया कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझ कर आम और मिठाइयां खा रहे थे और चीनी के साथ चाय ले रहे थे ताकि उनके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाया जा सके और इसे चिकित्सा आधार पर जमानत हासिल करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हुसैन ने कहा कि केजरीवाल अदालत की हिरासत में है, वह हमारे मामले के कारण हिरासत में है। चिंता का कारण यह है कि उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उच्च मधुमेह है, लेकिन वह आम मिठाई और चाय के साथ चीनी खा रहे हैं। यह जमानत के लिए आधार तैयार करने का एक आधार है। हुसैन ने कहा कि विवरण तब पता चला जब एजेंसी ने तिहाड़ जेल को पत्र लिखकर केजरीवाल के आहार और उनके द्वारा ली जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मांगी। केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई और कहा कि जांच एजेंसी केवल मीडिया के लिए ये आरोप लगा रही है। जैन ने यह भी कहा कि वह मौजूदा आवेदन वापस ले रहे हैं और बेहतर आवेदन दाखिल करेंगे। केजरीवाल फिलहाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक का शुगर लेवल गिरकर 46 हो गया है और इसमें लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कोर्ट ने आज तिहाड़ जेल से केजरीवाल के डाइट चार्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल को अन्य राज्य की जेल में भेजना चाहिए। मनोज तिवारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक ऐसी जेल में भेजना चाहिए जहां उनकी सरकार न हो। जेल में वह संयमित की जगह ऐसा आहार ले रहे हैं जो मधुमेह रोगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगले कुछ महीने में उन्हें जमानत मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए वे चिकित्सा जमानत पर बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। तिहाड़ दिल्ली सरकार के अधीन है, इसलिए मुख्यमंत्री आसानी से अप्रमाणित खाद्य सामग्री खा रही है। ईडी ने झूठ बोला केजरीवाल को मारने की साजिश। आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आहार को लेकर कोर्ट में झूठ बोला है कि वह चीनी वाली चाय पी रहे हैं और आम व मिठाई खा रहे हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। केजरीवाल कृत्रिम स्वीटनर ले रहे हैं। आतिशी ने कहा कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल केले खा रहे हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा कि डायबिटीज के रोगियों को केला या कोई टॉफी या चॉकलेट अपने पास रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि शुगर के स्तर में गिरावट जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। आतिशी ने कहा कि भाजपा अपनी विंग ईडी के जरिए केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वे केजरीवाल को जेल में घर का बना खाना देने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब घर का खाना बंद हो जाएगा तो यह पता नहीं चलेगा कि केजरीवाल को जेल में क्या खिलाया जा रहा है और कब। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों के केजरीवाल का शुगर लेवल 300 से अधिक है, लेकिन तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उन्हें इंसुलिन देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल के घर में बने खाने की आपूर्ति बंद कर उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।